नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, मेरी तरफ से मेहनत है और आपके लिए खुशखबरी है। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रहा है जिसमें हम आपसे दूर रहे हैं और उसका रीजन ये था कि न तो ग्रुप डी की एग्जाम का कोई अता पता और न एनटीपीसी के बारे में कोई जानकारी हमें मिल रही थी, लेकिन हाल ही में बोर्डों की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, रेल मंत्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहा है और विद्यार्थियों तक जो मैसेज आने लगे हैं वो ये है कि जिन विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उनके फॉर्म दोबारा से भराए जा रहे हैं और अगर आपको करेक्शन करने का एक अंतिम मौका और दिया जा रहा है तो आप करेक्शन करिए। और रेल मंत्री का कहना है कि जैसे ही आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में तुरंत ही हम एग्जाम का शेड्यूल सेट करेंगे। अब वो एग्जाम चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, यह पक्का है कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा। साथ के साथ जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं साथ लेके चलूंगा और मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली चीज लेके आ रहा हूं। एक मेहनत का काम है और वो ये है, आपको बता दिया जाए पूरी कहानी। और इसमें सबसे पहले ये आपकी एक न्यूज है, आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगी आप खुद देख लीजिए। यदि इससे आपको कोई फायदा मिलता है तो आप इससे जरूर जुड़िए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबको पता है कि YouTube पर आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब एक तरह से फ्री टेस्ट सीरीज में आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये लिखी है कि यूट्यूब पर आपको टीचर बहुत सारे मिलते हैं लेकिन आप किस टीचर पर विश्वास करते हैं, यह सबसे बड़ी चीज है। एक नहीं, आपको एक एक सब्जेक्ट के हजारों टीचर यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी यह है आपके लिए कि आपको किस टीचर को चुनना है, किससे पढ़ना है। और मैं आपसे यह कहता हूं कि चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए लेकिन उस पर आप बिलीव कीजिए, उस पर विश्वास रखिए कि जो आपको वो टीचर पढ़ा रहा है वो बेहतर से पढ़ा रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है। तो सबसे बड़ी कहानी है कि सबसे पहले आपको उस टीचर पे विश्वास रखना पड़ेगा कि सामने वाला हमारे लिए मेहनत कर रहा है। आप उसका खुद एनालिसिस कीजिए कुछ समय के लिए, आप देखिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपके लिए कहां तक उपयोगी है और आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचा सकता है क्या। दूसरी चीज प्यारे विद्यार्थियों, मैं बिल्कुल एक दावे के साथ कह रहा हूं कि विज्ञान की नंबर वन टेस्ट सीरीज होगी ये, और ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखी होगी। जिस तरह की टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बिल्कुल एकदम सबसे हटके और एकदम नंबर वन टेस्ट सीरीज होगी, मतलब ये हमारा ऐसा टारगेट रहेगा ए टू जेड एग्जाम के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसकी डेट 5 दिसंबर, बोले तो रविवार को शाम को 8 बजे बिल्कुल लाइव क्लास में लेके आ रहा हूं और ये होगा डावरा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक डावरा क्लासेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑन करिए ताकि जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। मेरा टारगेट रहेगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस और राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों को मैं टारगेट करूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, समय नहीं, बिल्कुल समय आपको बिताना नहीं है। हम टारगेट करेंगे कम से कम 100 डेज, 100 दिन का टारगेट करते हैं और कितनी मेहनत हम कर पाते हैं, आप कितनी कर पाते हो। और जो टेस्ट सीरीज में लेके आऊंगा ना, बिल्कुल ये मान के चलिए टॉपिक टू टॉपिक,
मेरा कहने का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपका टेस्ट सीरीज चला रहा हूं पाचन तंत्र की, जैसे मैंने पाचन तंत्र के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जब तक पाचन तंत्र पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बीच में कोई अगला प्रश्न नहीं आएगा। मतलब पाचन तंत्र के ए टू जेड हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद अगला टॉपिक लूंगा। पाचन में भी आप विश्वास रखिए, मैं इस तरह से आपको पुट कराऊंगा, जैसे पाचन तंत्र में हम सबसे पहले मुख के लिए पढ़ते हैं तो मुख के ही क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर आपको पता है मुख गुहा आती है तो आपको मुख गुहा के ही क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरे नंबर पे ग्रेसनी आती है तो मैं ग्रेसनी के ही प्रश्न लाऊंगा, और ग्रेसनी के बाद ग्रेसिका आती है तो मैं ग्रेसिका के ही प्रश्न लाऊंगा, और ग्रेसिका के बाद भोजन आमाशय में जाता है तो मेरे सभी प्रश्न आमाशय के रहेंगे उस समय, उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है तो आपके सभी प्रश्न छोटी आंत से जुड़े होंगे, इसके बाद बड़ी आंत के प्रश्न, और लास्ट में होगा एनस या गुदा। तो जहां तक मेरा बस चलेगा प्रत्येक टॉपिक एकदम ऐसे होगा जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते आए हो। जैसे हमको पता है कि मुख है, मुख गुहा, ग्रेसनी, ग्रेसिका, आमाशय, तो जिस तरह से आप टॉपिक पढ़ते हो उसी की तरह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन मैं खुद तैयार करूंगा, और आप थोड़ा सा विश्वास रखना, अपने सभी मित्रों को जोड़ दीजिए। आपका काम है इस वीडियो को आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप है थोड़ा सा साथ दे दीजिए, मेहनत जितनी मेरे से होगी मैं मेरी तरफ से 100% मेहनत करूंगा, और आप रविवार को 8 बजे 5 दिसंबर भूल नहीं जाना, रविवार 8 बजे हम लाइव क्लास के साथ मिलेंगे, और एकदम अकॉर्डिंग टू टॉपिक। और प्यारे विद्यार्थियों मैं कह रहा हूं अभी अपने पास समय है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितनी ज्यादा विज्ञान पढ़ी जा सकती है आप पढ़ लीजिए, और आपको पता है रेलवे, एसएससी, पुलिस और भी जो भी आपकी आरपीएससी की एग्जाम होती है हर जगह आपको विज्ञान नजर आती है, और कई बार तो हम विज्ञान की वजह से सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मौका है, आप जुड़िए मेरे से, और अपने सभी मित्रों को जोड़ना है ये काम। अगर आप लगे आपको कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आप भी मेरे लिए इतनी सी मेहनत करना है कि इस वीडियो को आपके जितने भी मित्र हैं जो एसएससी, रेलवे, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए, और उनसे बोल दीजिए कि 8 बजे लाइव सेशन से जरूर जुड़ जाए। तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, रविवार के दिन हम मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन के साथ में, और जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।